अस्सलामुअलैकुम। मैं निकला हूँ ड्राइव पे और जाने वाला हूँ ऑटो वालों की शॉप पर। सीन कुछ इस तरह से है, लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त डस्ट क्लीनर का मैंने रिव्यू किया था, जो कि विद इन 2 मिनट्स पूरी गाड़ी के ऊपर से डस्ट जो है वो रिमूव कर देता है। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हम अपना 2 मिनट भी क्यों सफाई पे लगाएं। तो मैंने अभी जाके लेना है टॉप कवर और प्रॉबेबली जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा वो ही परचेज करूंगा। वहां पर भी जाके देखता हूं उनके पास कौन कौन से हैं। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी होंगे। एक तो मुझे डस्ट का कोई इशू नहीं होगा। सेकंड, गाड़ी क्योंकि मैंने एक घर में खड़ी की होती है तो अक्सर मैं देखता हूँ कि गाड़ी के ऊपर बिल्ली के पाँव के निशान लगे होते हैं, तो गाड़ी के स्क्रैच होने का भी ख़तरा है। तो टॉप कवर से गाड़ी मेरी स्क्रैच होने से भी बच जाएगी। अभी जाता हूँ शॉप पे और वहाँ से फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, मैं पहुँच आया हूँ ऑटो वालों की शॉप के पास। इधर गाड़ी अभी करनी है पार्क। मैं आपको शॉप की लोकेशन भी बता दूंगा, जो लोग एबटाबाद से हैं उनके लिए तो खैर काफ़ी इजी हो जाएगा फिर, लेकिन जो ऑनलाइन इनसे मंगवाना चाहें वो भी मंगवा लेंगे। लेकिन पहले मैं जाके टॉप कवर देख लूँ। आ गया हूँ डेकोरेशन वालों की शॉप के ऊपर, ये है इनकी शॉप। खैर मैं लोकेशन आपके साथ बाद में भी शेयर कर दूँगा। मैंने इनको पहले से बता दिया था कि आप जो हैं वो कवर बाहर निकाल के रखते हैं, तो उन्होंने ये 3 कवर निकाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? ठीक हो? ठीक था, शुक्रिया। अच्छा जी, ये 3 कवर हैं और ये भाई हमें खुद ही यहाँ से क्वालिटी वाइज दिखाएंगे। ये तो मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसकी क्या प्राइस हुई? ये आपको मिलेगा जी 1950 का। 1950 का सबसे अपना नॉर्मल क्वालिटी है, इससे हम अपनी ज़बान में पैराशूट कहते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। उसके ऊपर ये चले जाए अपना, इसको थोड़ा सा बाहर निकालें, इसको PVC कहते हैं। स्टिचिंग इसकी इधर होती है, ये जो PVC आती है इम्पोर्ट होके आती है, ठीक है, चाइना से आती है, थाईलैंड से आती है या किस तरह मलेशियन, ठीक है। तो ये क्वालिटी जो है उससे काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इसकी क्या प्राइस है? ये आपको मिलेगा जी 3250। और ये वाला जो है ये सबसे हाई क्वालिटी है, ठीक है, स्क्रैच लेस है, ठीक है, वाटर प्रूफ है, हीट रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसमें बॉडी पे स्क्रैचेस वगैरह नहीं डालता, ठीक है, प्रॉपर हर गाड़ी का अपने साइज में आता है, थिकनेस, ये ओलेज वगैरह, ये उनसे सेफ्टी के लिए। अच्छा, कोई वारंटी वगैरह है इसकी? यार इसकी वारंटी तो नहीं होती सर, लेकिन इसमें आज दिन तक मेरे हो गए हैं 2006 में मैंने ओपनिंग की थी, उस टाइम पे एबटाबाद में कोई भी शॉप नहीं थी डेकोरेशन के लिहाज से, तब से ले गए हैं, अब तक सेल कर रहा हूँ, आज दिन तक किसी भी उस कस्टमर ने कोई कंप्लेन नहीं की। इसकी प्राइस क्या है? ये आपको सर फाइनल मिलेंगे 5000। अच्छा, मैंने इनके पास 3 देखे हैं। पहला वाला तो बहुत ही नॉर्मल है, उसके बाद वाला बेहतर है, लेकिन अंदर से वो गाड़ी को स्क्रैच से नहीं बचा सकेगा। ये जो है ये सबसे बेहतर है। इसको अभी गाड़ी के ऊपर डाल के देखते हैं और फिर इसको इंशाल्लाह परचेज करते हैं। डालें सर इसे गाड़ी पे? ठीक है, आ जाएं। अभी टॉप कवर को ओपन करके बस इसको सेट करके डालने वाले हैं जी गाड़ी पे। मुझे जो इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी है कि काफ़ी हद तक जो टॉप कवर है उसका कलर मेरी गाड़ी के साथ मैच हो रहा है। थोड़ा सा डार्क है लेकिन ठीक है, कलर भी अच्छा है, क्वालिटी भी इसकी मुझे देखने में काफ़ी अच्छी लगी है। अब लेट्स सी, बहुत पूरा आ ही जाएगा। अच्छा, मैं आपको शॉप की लोकेशन बता दूँ, ये सामने ग्रीन रेस्टोरेंट है, यहाँ पर होटल एवर्ट ग्रीन है और बिल्कुल उसके सामने हैदर ऑटोज डेकोरेशन, ये इनकी शॉप है। हाल में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सेट करने में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम थी, सारा बिल्कुल पैक हुआ हुआ था और ये भाई है भी अकेले।
और इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। यहाँ से देखें आप अंदर, इसकी ये फाइबर है जो कि इसको गाड़ी को स्क्रैच होने से बचाएगा। यार इसने घर में भी इतना ही टाइम लगाया है ऊपर डालने के लिए, ये तो मेरे लिए एक सियापा ही होगा। इतनी काम चोर बना हूँ मैं, कौन इसके साथ इतनी मेहनत करे। आसानी जो आपने लिए ढूंढने के लिए आया हूँ वो कहीं थोड़ी सी मुशक्कत में मुझे नज़र आ रही है कि घर में मुझे भी इसके साथ लड़ना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको इसके ऊपर डालने में, फिर दोबारा इसको पैक करके रखने में। लेकिन चले गाड़ी की सेफ्टी हो जाएगी तो थोड़ी सी मुशक्कत तो बनती है, गाड़ी स्क्रैच से बच जाएगी। अच्छा फ्रंट साइड के ऊपर जो है वो पूरा आ गया है। अच्छा यहाँ पर इसके मिरर्स की जो जगह है वो भी बनी हुई है कि अगर गाड़ी की जो मिरर्स है वो ओपन ही आप रखें तो भी कोई इशू नहीं है। ये देखें तो ये सीन आ गया है फ्रंट से। यहाँ पर लगी हुई है इलास्टिक ताकि ये उठे नहीं। दूसरी सर इसकी ये अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी के अंदर चाबी रह गई, कोई वॉलेट वगैरह, कोई मोबाइल वगैरह रह गए, ठीक है, पूरा उतारने के बजाय आप इसकी साइड से इसको ओपनर लगा हुआ है, ठीक है, एक ही डोर को आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी चीज़ अंदर जो रहेगी निकाल सकते हैं, ठीक है। तब ये फीचर इसका सबसे मेरे ख्याल में मैंने इससे पहले ये किसी और टॉप कवर में नहीं देखा कि जेब लगी हुई हो। साइड व्यू के लिए इसकी अपनी प्रॉपर जगह बनी हुई है, ठीक है। एक 360 लोग आपको बैक से भी अभी दिखा दूं कि बैक से भी ये बिल्कुल पूरा आ गया है। तो ये सीन है, इसको ऊपर डालने में थोड़ा सा टाइम लगा है या पैक करने में भी खैर इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ओवरऑल एक चीज़ अच्छी है। गाड़ी ज़ाहिर सी बात है इतनी महंगी होती जा रही है, एक छोटे से प्रोडक्ट के साथ गाड़ी स्क्रैच से बच रही है तो मेरे ख्याल में छोटी मोटी मशक्क़त बनती है, ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो अगर आपने इसे कोई भी चीज़ मंगवानी हो जो एप्टोबाद वाले हैं वो तो खैर आके फिज़िकली भी यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इनका नंबर स्क्रीन पर भी चला रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, अगर किसी ने कुछ ऑनलाइन मंगवाना हो तो वो भी इनसे मंगवा सकता है।